छत्तीसगढ़ रायपुर की तिल्दा नेवरा की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कांवड़ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 1 अगस्त मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। कांवड़ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कांवड़ की विशेषता बताते हुए 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही कल 2 अगस्त 2023 है, सावन अधिक मास का इस दिन कौन सा विशेष दान किया जाता है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भस्म आरती कौन से ज्योतिर्लिंग में होती है, तो इसका सही उत्तर है महाकालेश्वर उज्जैन। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। सीहोर वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन कब है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए 12 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 16 अगस्त और डी 18 अगस्त। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं, हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जिस घर में नारी सम्मान के शब्दों का उपयोग करती है, अपने पति के माता पिता का आदर करती है, तो उस नारी का पति भी उस नारी का आदर करता है और उसके कहने पर चलता है, क्योंकि वह देखता है जब यह मेरे माता पिता की बातों को सुनकर चलती है तो मैं भी इसकी बातें सुनकर चलूँ। स्त्री और मिस्त्री दो लोग होते हैं जो आपके घर को बनाते हैं। स्त्री सही है तो वह आपकी झोपड़ी को भी महल बना सकती है, पर स्त्री गलत है तो वह आपके महल को भी झोपड़ी बना सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके घर में शंकर को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल भी है तो यकीन कर लो आप दुनिया के सबसे धनवान हो, और जिसके घर में बस दुनिया का वैभव है, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, बहुत अधिक मात्रा में धन दौलत है, पर घर में एक इंसान के पास भी भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं है, एक लोटा जल चढ़ाने का समय नहीं है, तो आप यह समझ लेना यह जीवन उसे पिछले जन्मों के पुण्य से प्राप्त हुआ है, जो वह आराम से काट रहा है, और उसे जो अगला जन्म मिलेगा उसके अगले जन्म में वह अपने हाथ में कटोरा पकड़ा नजर आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में अगर कोई भूलवश भी अपने दोनों हाथ में गंगा जल लेकर वह जल अगर वह शिवलिंग पर अर्पित कर दे तो उसके जीवन में उसे वैभव और सत्ता प्राप्त होती है, उसे पूरे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। कांवड़ शिव महापुराण कथा में कांवड़ से जुड़ी रोचक जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, कांवड़ को कभी भी अपने एक कंधे से दूसरे कंधे में रखने के लिए उसे अपने सर के ऊपर से लांगा नहीं जाता है। मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक कंधे से उठाते हुए उसको सर के ऊपर से ले जाते हुए दूसरे कंधे पर रख दें। आपको यदि दूसरे कंधे में रखना है तो गुरुजी ने कहा, उसको आप अपने हाथ को सामने से, मतलब अपने आँखों के सामने से कांवड़ को ले जाते हुए दूसरे कंधे में रख सकते हैं। जैसे आप अपने आँखों के सामने से ले जा रहे हैं, मतलब सर के ऊपर से नहीं ले जा रहे हैं, इसी तरह आप अपने सर के पीछे से भी ले जा सकते हैं, बस उसको अपने सर के ऊपर से नहीं ले जाना है। ऐसा नियम होता है कांवड़ का कंधा बदलते समय। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कांवड़ शिव महापुराण कथा का वर्णन करते हुए एक काफ़ी अच्छा संतान प्राप्ति उपाय की जानकारी दी है, जो इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, जिसका गर्भ नहीं ठहर रहा हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, भले ही कितने वर्ष हो गए हों, अगर वह कांवड़ उठा रहा है या उठा रही है तो उसे अपने झोली में चावल के दानों को बांध लेना चाहिए। इसके बाद वह अपने कांवड़ का जल जब शिवलिंग पर अर्पित कर देती है तो उसके बाद वह जो चावल के दाने उसने अपने झोली में बांधा हुआ है, उस चावल के दाने को संतान प्राप्ति की कामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए। गुरुजी का बताया है, संतान प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है अगर आप कांवड़ उठा रहे हैं और कांवड़ जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो। गुरुजी ने कहा, बाबा उसकी झोली खाली नहीं छोड़ते, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। किसी विषम परिस्थिति में आपको दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन्हीं बातों पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि अगर आपके सामने कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, कुछ समझ में आ नहीं रहा कि क्या करें क्या ना करें, किसके पास जाएं, तो आपको एक कार्य करना है, एक बेलपत्र लेकर आपको शिवालय पहुँच जाना है और उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आप विनती करें कि मैं शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, तब से ही आपको मैंने अपना मान लिया है, जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, टेंशन चल रहा है, पर आप मेरे बड़े होना और आप अपने बच्चे को नहीं देखोगे, क्या ऐसा हो सकता है? बाबा मेरे जीवन में बहुत दुख तकलीफ़ कष्ट चल रही है,
उन्हें आप दूर क्यों नहीं करते हो, इस प्रकार से विनती करते हुए आ जाओ। अगर बेलपत्र आपको नहीं मिल रही है तो वहीं शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप धोकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। पूर्णिमा साहू जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने कहा, शरीर में बहुत परेशानियाँ चलती रहती थी, बच्चेदानी में छाले हो गए थे, गांठ जैसा भी भाव था, बीपी भी लो रहता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, फिर खांसने में भी मुझे खून आने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने टीबी बता दिया। इसके बाद माँ के कहने पर मैंने दवाई खाते समय और डॉक्टरों की जांच कराते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण किया करो। इसके बाद समस्या बड़ी होने लगी। फिर माँ ने कहा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करो। फिर मैंने मेरे घर वालों से कहा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मेरे को ला के दे दो, और उन्होंने ऐसा किया और वह जल का मैं आचमन कर लेती। जल का आचमन भी मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करती। इसके बाद मुझे मेरी समस्याओं में आराम लग गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। जयंती जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी जेठानी की बहू को 9 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। बहुत इलाज कराया, सब जगह गए पर कहीं से कोई आराम नहीं लग रहा था। गुरुजी आपके बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया। साथ में वह रोज़ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा देती थी। बाबा की कृपा से 2 माह बाद ही गर्भ ठहर गया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने हास्य पद में बोला, घोड़े के पीछे और अगर किसी सत्ताधारी या फिर धनवान वैभववान व्यक्ति के आगे आप चल रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दसवीं विशेष जानकारी की ओर। प्रिया जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आप कहते हो बाबा पर पूरे विश्वास रहो और बाबा से जो भी बात कहना है वह कहो, वह जरूर सुनते हैं। मैं रोज़ जल चढ़ाती और बाबा से निवेदन करती कि मेरे पति की सरकारी नौकरी लग जाए। मेरे पति ने 2016 में एक सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दिया था पर 2016 के बाद 2023 आ गया और 7 वर्षों के बाद उनकी उसी नौकरी में रेलवे में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। आज सभी से गुरुजी ने कहा है, आपको एक नियम बना लेना है, आपको महादेव के पास जाकर महादेव के ऊपर सब चीज़ छोड़ देना है। मतलब जो भी समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, खुशी आ रही है, जो भी आ रहा है सब महादेव को बोल दो, महादेव के ऊपर छोड़ दो। किसी के सामने जाकर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जीवन में यह दुख है, अब हम क्या करें। गुरुजी ने कहा, इस सावन से सभी को प्रण ले लेना है कि जब भी जो काम करवाना होगा तो बाबा से जाकर बोलोगे कि तुम्हारे ही भरोसे हूँ, तुम्हें ही मेरा यह काम करवाना है। इस प्रकार गुरुजी ने सभी से निवेदन करने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 2 अगस्त 2023 कल का दिन बुधवार का है और इस दिन गुरुजी ने कुछ विशेष दान करने को कहा है। गुरुजी ने पूरे अधिक मास की दान की लिस्ट बताई है जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग दान करने को कहा है, तो उसी श्रृंखला में 2 अगस्त का दान है जो कि आपको करना है, वह है कलश का दान। अब आप छोटे से कलश का भी दान कर सकते हैं, मतलब डब्ल्यूए का दान कर सकते हैं, जैसा कि आप दीपावली में करते हैं जिसके अंदर आप कुछ सामग्री रख के वह कन्याओं को दे देते हैं, तो इस प्रकार से आप यह कलश का दान कर सकते हैं, या फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कलश का दान मंदिर में भी कर सकते हैं जिसका उपयोग आने वाली दुर्गा अष्टमी या दुर्गा पूजन में किया जा सके। आप मंदिर के पंडित जी से भी कांटेक्ट करके उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे कलश दान करना है, वह भी बता देंगे कि आपको आगे क्या करना है। पर अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं और आप घर से ही करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कन्याओं को दान कर सकते हैं, डबुलिया बना सकते हैं, वह भी कलश के ही स्वरूप में रहती है, तो उसके अंदर आप कुछ भर के कन्याओं को दान कर सकते हैं। आप 9 डबुलिया या 11 डबुलिया का दान जरूर करें, जितना क्योंकि 2 अगस्त का जो दिन है उस दिन आपको कलश का दान करना है। बढ़ते हैं आज का एक ऐसा उपाय बताने के लिए जो कि आप कल 2 अगस्त को करना शुरू कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही अपनी पिछली कथाओं में इस बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, अगर आप कोई व्यापार या फिर अपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार करना है, रोज़ करना है, तो यह बुधवार का दिन सावन अधिक मास का काफ़ी विशेष है जिस दिन करके आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर यह उपाय आप प्रत्येक बुधवार को भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक दूरवा लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और दूरवा को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। दूरवा को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि दूरवा की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होनी चाहिए।
उसके बाद आप एक कलश जल से शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करें। जिस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं उस प्रकार से आप जल अर्पित कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर, उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदर के स्थान पर, उसके बाद शिवलिंग का जो कटी भाग है उस पर, और ऊपर अगर जलाधारी बंधी है तो उसमें, या फिर अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप 3 महीने तक करके देखिए, आप जिस एग्ज़ाम में सफलता चाहते हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता देखने को मिलेगी, बस साथ में आपको अपने कर्म भी करते रहना है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए Q&A लिखकर पूछ सकते हैं। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।